खेल निदेशक उत्तर प्रदेश और क्षेत्रीय खेल कार्यालय गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिसंबर से रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू हो रहा है ब्रह्मलीन परम पूज महंत अवैधनाथ जी महाराज अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 12 टीमें भाग लेंगी। सभी खिलाड़ियों के रहने खाने और आवागमन की उचित व्यवस्था खेल विभाग द्वारा किया गया है। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाली टीम को 2 लाख, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 1 लाख और सेमीफाइनल में प्रवेश तथा तीसरे स्थान पर रहने वाली दोनों टीमों को 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार 4 दिसंबर को मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री और गोरखपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी AK पांडे और समाज सेवी और अध्यक्ष जिला कबड्डी संघ अरुणेश शाही ने कहा, ये प्रतियोगिता इस प्रतियोगिता के प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। ये उनकी ही प्रेरणा से और उनके ही आदेश से बड़े महाराज जी के नाम से प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, क्योंकि पिछले वर्ष ही इन्होंने इस प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए आदेशित किया था, किंतु मौसम गर्म हो जाने के कारण, साल के आखिरी होने के कारण नहीं आयोजित की जा सकी। पर ये प्रतियोगिता बड़े महाराज जी के नाम से खेल विभाग द्वारा, उत्तर प्रदेश के शासन द्वारा गोरखपुर में आयोजित की जा रही है। इसमें तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसमें उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ, जिला कबड्डी संघ, क्षेत्रीय खेल कार्यालय और हमारा निदेशालय सभी लोग मिल करके संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं। टीमें पूरी हो गई हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था भी पूरी हो गई है और इस कार्य के लिए जो अनुभवी लोग होते हैं, इसमें जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष अरुण शाही जी हैं और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी जिनको इन सब कार्यों का बहुत अनुभव है, अभी हाल में ही उन्होंने एक राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप कराया था कुश्ती का, उनका भी सक्रिय सहयोग और मार्गदर्शन मिल रहा है। इस प्रतियोगिता में विजेता टीम को 2 लाख रुपये, उपविजेता को 1 लाख, तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 50,000 मिलेगा। लेकिन कबड्डी में क्योंकि तीसरे स्थान पर रहने वाले दोनों टीमों को पुरस्कार की राशि की व्यवस्था की जाती है, परंतु खेल विभाग द्वारा केवल 1/3 पुरस्कार दिया जाता है। इसलिए कबड्डी संघ के जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष शाही जी ने अपनी ओर से 51,000 रुपया देने की घोषणा की है और दोनों टीमें जो तीसरे स्थान पर रहेंगी, जो दो टीमें, उन दोनों को पैसा दिया जाएगा 50,000 रुपये की धनराशि। जैसा कि आपको पता होगा कि गोरखपुर के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज विगत 24 वर्षों से खेल और खिलाड़ियों के लिए हमेशा उसके आयोजन के लिए, प्रतिस्पर्धी के लिए, प्रतिभागियों के लिए काफ़ी अथक मेहनत करते आए हुए हैं। इसी प्रसंग में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जिला कबड्डी संघ ने एक प्रस्ताव भेजा कि गोरखपुर में महंत अवैधनाथ जी महाराज जी के नाम पर एक राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए और जिला कबड्डी संघ, स्टेट कबड्डी संघ और खेल निदेशालय ने पिछले वर्ष इस कबड्डी का आयोजन कराने की सहमति दी थी, परंतु गोरखपुर के वातावरण जिसमें स्थानीय चुनाव, लोकसभा सांसद का उपचुनाव और मौसम गर्म होने के नाते ये प्रतियोगिता इस वर्ष महाराज जी की कृपा से, महाराज जी के संरक्षण में आयोजित की जा रही है। ये प्रतियोगिता 1, 2, 3, 4 दिसंबर को आयोजित हो रही है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी 4 तारीख को यहाँ पर पुरस्कार वितरण और समापन समारोह में यहाँ रहेंगे और उनके साथ हम लोग के विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के उसमें विशिष्ट अतिथि रहेंगे, उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ के अध्यक्ष माननीय लल्लू सिंह जी रहेंगे और खेल डायरेक्टर RP सिंह जी का इसमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। कितनी टीमें सर आ रही हैं इसमें? 12 टीमें भाग ले रही हैं
और 12 टीमों को रहने के लिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए सारी व्यवस्था यहाँ हो चुकी है।